सेक्शन में हम बात करेंगे विजयनगर अम्पायर के बारे में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि विजयनगर जो साम्राज्य है या विजयनगर अम्पायर है वो कब बना था, वो किसने बनाया था। तो देखिए, विजयनगर जो अम्पायर था ये बना था 1336 यानी कि 1336 AD में। उस समय दिल्ली का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का राजा था और विजयनगर साम्राज्य है, एम्पायर है, ये बना था 1336 में। अब ये बना कहाँ पे था? ये बना था कर्नाटक के हम्पी। अब देखिए, जो कर्नाटक का जो हम्पी जो शहर है, हम्पी, कर्नाटक का जो हम्पी शहर है, उसके बिल्कुल पास में एक बहुत विशाल विजयनगर साम्राज्य है जो अब खंडर बन चुका है। यानी कि विजयनगर अम्पायर जो है वो हम्पी जो कर्नाटक में पड़ता है उसके बिल्कुल पास में है, जो अब खंडर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आग लगा दी गई थी इसलिए यहाँ पे ये अब खंडर बन चुका है। ये किसने बनाया था? ये बनाया था हरिहर और बुक्का ने। देखिए यहाँ पे लिखा है हरिहर और बुक्का, ये इसने बनाया था। तो चलिए, यहाँ पे आपको मैं एक अब यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए, हुआ ऐसा था कि जो दिल्ली के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली के जो किंग थे, उन्होंने हरिहर और बुक्का को युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हराने के बाद उसको, उन दोनों को बंदी बना लिया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का, जिसने विजयनगर राज्य की बाद में स्थापना की थी, उनको बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद उनको इस्लाम धर्म अपनाने को कहा। जब हरिहर बुक्का ने इस्लाम धर्म अपना लिया, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कर्नाटक में, साउथ इंडिया में अपनी जीत को बढ़ाने के लिए इन दोनों को वहाँ पे भेजा। वहाँ पे जो है विद्यारण नाम का एक व्यक्ति है, उसने फिर से हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में फिर से तब्दील कर दिया। यानी कि देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को बंदी बनाया, इस्लाम धर्म उनका कर दिया, उसके बाद जो विद्यारण है फिर उसने उनको इस्लाम से हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि हरिहर बुक्का को फिर से हिंदू धर्म में कौन लेके आए? विद्यारण। तो चलिए, यहाँ पे अब ये था ओवरव्यू। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो कैसा था, क्या इसकी हिस्ट्री है, जानते हैं। देखिए, दिस वाज द मोस्ट फेमस एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ सदर्न इंडिया। देखिए, साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम्पायर है विजयनगर का। द विजयनगर एम्पायर लास्टेड फॉर 3 सेंचुरी, दस इंडायरेक्टली चेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक पावर इन द रीजन। अब देखिए, यहाँ पे क्या था, जो विजय नगर साम्राज्य है, जो विजयनगर एम्पायर है, वो 3 शताब्दियों तक यानी कि 3 सेंचुरी तक लगातार चला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इस्लामिक पावर भी इस रीजन में देखने को मिलती है। आपको जैसे मैंने बताया ना कि जो विजयनगर साम्राज्य था तो इसकी शुरुआत की थी हरिहर और बुक्का ने, लेकिन देखिए हरिहर जो बुक्का थे उनको मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म उनका कर दिया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हरिहर बुक्का थे, मोहम्मद बिन तुगलक के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, तो जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे इस्लामिक पावर्स देखने को मिलती हैं। अब देखिए, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक अगर इनको ना भेजता तो ये ना तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते और ना ही हमें इस्लामिक पावर यहाँ पे देखने को मिलती। अकॉर्डिंग टू लेजेंड एज वेल एज हिस्टोरिकल सोर्सेज, 2 ब्रदर नेम हरिहर एंड बुक्का। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है ना हरिहर और बुक्का, यानी कि ये 2 ब्रदर थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया था। अब देखिए, इनके फादर कौन थे? इनके फादर थे संगमा, यानी कि संगम। अब देखिए, संगम हम कहते हैं ना संगम वंश, तो संगम जो काल था वो इनके पिता के नाम से पड़ा। अब देखिए, हरिहर और बुक्का ने यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि विजयनगर जो एम्पायर था उसकी स्थापना किसने की थी, किसने बनाया था? वो बनाया था हरिहर और बुक्का ने। हैड फाउंडेड सिटी ऑफ विजयनगर ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए लिखा है तुंगभद्रा, तो ये तुंगभद्रा जो रिवर है उसके किनारे बनाया था।
यानी कि विजयनगर किन जो अंपायर है किसने बनाया, हरिहर बुक्का ने कहाँ बनाया, ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे बनाया। तुंगभद्रा रिवर कहाँ पे पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको फैक्ट पूछेंगे यहाँ पे। टू फेमस सीज माधव विद्यारण एंड हिज ब्रदर सयान बिकेम द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द फॉर द फाउंडेशन ऑफ ए हिंदू एम्पायर इन द रीजन। अब देखिए यहाँ पे जो जो दो फेमस सेज हैं, इनकी साधु हैं, इनकी माधव विद्यारण और उनके ब्रदर सयान। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि जो विद्यारण थे इन्होंने ही बुक्का और हरिहर को वापस में हिंदू जो धर्म है उसमें तब्दील किया था। यानी कि देखिए जो अगर हरिहर बुक्का यहाँ पे आते हैं इस्लाम धर्म अपना के, लेकिन वो वहाँ पे आके फिर विजयनगर हिंदू राज्य की स्थापना करते हैं, तो ये किसके कारण करते हैं, विद्यारण के कारण। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि जब हरिहर बुक्का ने इस्लाम धर्म अपनाया था उसके बाद किसने उनको फिर से हिंदू धर्म में तब्दील किया, तो उसका नाम है विद्यारण। हरिहर बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ द न्यूली फाउंडेड अम्पायर। अब देखिए विजयनगर अम्पायर जब बना इसका पहला राजा कौन था, इसका पहला राजा था हरिहर। हालांकि इसकी शुरुआत दोनों ब्रदर ने की थी, हरिहर बुक्का ने, लेकिन इसके पहले राजा बने हरिहर। आफ्टर हिज डेथ बुक्का सक्सीड हिम। हरिहर की डेथ के बाद बुक्का इसके राजा बने। बुक्का सेंट एन इमिसरी टू चाइना इन 1374 एज ए डिप्लोमेटिक मूव। अब देखिए जब हरिहर जो जब बुक्का यहाँ पे जब राजा बनते हैं उसके बाद देखिए उन्होंने अपना एक दूत भेजा, अपना एक यहाँ पे देखिए इमिसरी का मतलब होता है दूत, ठीक है, राजदूत जिसे कहते हैं, वो भेजा वहाँ पे चाइना में 1374 में, ताकि वहाँ पे वो डिप्लोमेटिक जो पावर बना सके, यानी कि एक अच्छे संबंध बना सके चाइना के साथ। आफ्टर बुक्का डेथ हरिहर टू। अब देखिए जब बुक्का की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो हरिहर टू है, यानी कि जो हरिहर जो इसके भाई थे बुक्का के, उसका जो बेटा है हरिहर टू, वो राजगद्दी पर बैठता है। यहाँ पे देखिए 1-2 इसलिए लिखा जाता है, ऐसा नहीं था कि सचमुच में उनका नाम हरिहर 1 है 2, ऐसा नहीं था। ये हिस्टोरियन है जो इतिहासकार, उन्होंने आपको जो है आपके जो आसान करने के लिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हरिहर सीधे ही लिख दिया जाए तो यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था वो मर चुके हैं, फिर से दोबारा कैसे आ गए, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हरिहर 2 लिखा है कि ताकि वो जान सके कि वो हरिहर के बेटे हैं। ही एक्सपेंड हिज डोमेन्स बाय कंकरिंग ऑलमोस्ट द होल ऑफ सदरन इंडिया इंक्लूडिंग मैसूर, कनार, चिंगलपेट, तिरुचनपल्ली एंड कांचीवरम। अब देखें जब यहाँ पे हरिहर 2 जब राजा बनते हैं उसके कारण देखिए कि जो उनका प्रभाव है, यानी कि जो उनका जो डोमेन है वो मैसूर, कनार या चिंगलपेट, तिरुचनपल्ली, कांचीवरम जो एरिया है इसके ऊपर वो काफ़ी प्रभाव उसका पड़ा, यानी कि ये इनके कब्जे में था। ए स्टंच वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा हरिहर टू वाज फेयरली टॉलरेंट टुवार्ड्स द फॉलोअर ऑफ अदर फेथ टू। अब देखिए जब भगवान शिव के जो कट्टर उपासक होते हैं ना, यानी कि जो हरिहर टू थे वो भगवान शिव जो लॉर्ड शिवा है उसके कट्टर उपासक थे, यानी कि उनको मानते थे लॉर्ड शिवा को। उसके बाद ये देखिए अन्य धर्मों को भी मानते थे, यानी कि देखिए भगवान शिव को ये मानते तो थे, साथ में क्या था ये अन्य धर्म को भी मानते थे, ऐसा नहीं था ये धर्म अपना थोपते थे कि हाँ, ऐसा होता था ना कि एक राजा जब किसी धर्म को मानता था तो जनता को भी वो राजा मानना पड़ता था, तो जनता को भी वही धर्म अपनाना पड़ता था, तो ऐसा नहीं था, ये बाकी धर्मों का भी अच्छे से यहाँ पे उनको सहयोग करते थे। तो खुद तो ये शिव के उपासक थे, साथ में दूसरे धर्म को भी ये मानते थे। उसके बाद ही बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज राज परमेश्वर। अब देखिए ये विजयनगर एम्पायर के पहले राजा थे जिन्होंने उपाधि धारण की थी, टाइटल धारण किया था महाराजा अधिराज राज परमेश्वर का। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि किसने राजा अधिराज राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो उसका नाम है हरिहर टू, ये विजयनगर एम्पायर के पहले राजा थे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसको आपको टिक मार्क करना होता है। इन 1486 वीर नरसिम्हा ऑफ चंद्रगिरी
टुक ओवर द रैन ऑफ विजय एम्पायर। अब देखिए जब 1486 इनकी 1486 आता है, तब जो वीर नरसिम्हा है चंद्रगिरी के, उनके अंडर विजयनगर एम्पायर है वो आ जाता है। हिज सन कृष्णदेव, अब देखिए जो वीर चंद्र जे वीर नरसिम्हा जो थे चंद्रगिरी के, ये तुल्लव डायनेस्टी से संबंधित थे। हिज सन कृष्णदेव राय हैज़ बीन अक्लेम्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए जो इनके जो बेटे हैं, इनके जो वीर नरसिम्हा है तुल्लव वंश के, इनके बाद जो देखिए इनके जो बेटे आते हैं कृष्णदेव राय, ये विजयनगर एम्पायर के सबसे फेमस सबसे महान राजा माने जाते हैं। ए ग्रेट वॉरियर ही ऑलमोस्ट इनवेरेबली वॉन द वॉर्स विच ही वेज थ्रू आउट हिज पीरियड ऑफ किंगशिप। अब देखिए जब कृष्णदेव राय आते हैं, इन्होंने अपने जब तक इनका लाइफ स्पैन रहा, जब तक इनका जीवन काल रहा, तब तक देखिए ये एक बहुत अच्छे वॉरियर के रूप में आते हैं। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ यहाँ पर जीती। ही वॉज नोन टू हैव ट्रीटेड इवन हिज वैनक्विश्ड फोर्स विद ऑनर। आप देखिए इसके बाद क्या है कि जैसे राजा तो थे, इनको देखिए सम्मान भी मिलता था, साथ में इनको ये भी पता था कि इनके जो दुश्मन हैं उनसे कैसे निपटना है। इनकी नीतियाँ जो थी अपने दुश्मनों के बारे में इनको पता था कि इनको कैसे निपटना है, कैसे उनके साथ ट्रीट करना है, इनको अच्छी तरह से आता था। ड्यूरिंग द पीरियड 1511-1514 इनकी 1511 से 1514 के बीच में ही कैप्चर्ड सदरन मैसूर शिव समुद्रम फोर्टेस्ट एंड रिचर्ड, यानी कि देखिए रायचूर का जो एरिया है कर्नाटक में है ये, सो डिफीटेड गजपति द अर्स्ट वाइल किंग ऑफ उड़ीसा एंड कैप्चर उदयगिरी उड़ीसा। अब देखिए जब 1511 1514 का टाइम पीरियड आता है, तब देखिए इन्होंने मैसूर शिव समुद्रम का एरिया अपने कब्जे में कर लिया, उसके बाद जो कर्नाटक का जो रायचूर है उसको कब्जे में कर लिया, उसके बाद देखिए इन्होंने गजपति को हराया। गजपति कौन थे? गजपति को हराया, उसके बाद देखिए फिर इन्होंने जो उड़ीसा के राजा है उनको हराया, और जो उदयगिरी का जो एरिया है वो भी अपने राज्य में मिला लिया। स्टिल लेटर ही कैप्चर विशाखापट्टनम एंड अबॉलिश द अथॉरिटी ऑफ रूलर ऑफ उड़ीसा। अब देखिए इसके बाद क्या था कि बाद में इन्होंने विशाखापट्टनम का जो एरिया है वो भी अपने कब्जे में किया, और जो उड़ीसा के राजा थे उनकी अथॉरिटी भी वहाँ से ख़त्म कर दी। देखिए क्योंकि ऐसा था कि उड़ीसा के जो राजा थे विशाखापट्टनम पे पहले उनका कब्जा था, लेकिन जब कृष्णदेव राय ने अपना कब्जा कर लिया विशाखापट्टनम पर, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है कि हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वाज डिफीट इन्फ्लिसिटेड ऑन वन ऑफ द बहमनी रूलर्स इस्माइल आदिल शाह ऑन 19 मार्च 1520। अब देखिए यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कृष्णदेव राय की क्या थी कि उन्होंने जो बहमनी वंश के जो शासक थे, जो राजा थे इस्माइल आदिल शाह, उनको भी हरा दिया। देखिए सबसे ताकतवर जो शासक माने गए थे इस्माइल आदिल शाह, इन्होंने उनको भी हरा दिया कृष्णदेव राय ने। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनकी लाइफ की। दिस लैंडमार्क इवेंट पुट एन एंड टू द इस्लाम मुस्लिम डोमिनेंस इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। अब देखिए जब बहमनी शासक के जो आदिल शाह को इन्होंने हराया, तो इससे ये एक लैंडमार्क बना कि जो डोमिनेंस था ना, जो प्रभाव था सबसे ज़्यादा सदरन पार्ट पे मुसलमानों का, मुस्लिम का, तो इससे यहाँ पे इनका एंड होना शुरू हो गया। क्योंकि देखिए एक हिंदू राजा जब इस्लामिक राजा को हराता है, तो देखते देखते वहाँ पे क्या है, मुस्लिम जो शासक है, जो राज्य है सदरन इंडिया में, ख़त्म होने शुरू हो गए। During his later years, कृष्णदेव राय strongly focused on the organization of his empire and improving its administration. देखिए उसके बाद क्या था कि जैसे जैसे समय बीतता गया, कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य को, अपने इनकी राज्य को, जो उसका अम्पायर था उसको बढ़ाने की सोची, उसके ऊपर फोकस किया, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि उसका जो प्रशासन था उसको बहुत ज़्यादा उसमें सुधार करने शुरू किए कि ताकि जो उनका राज्य था विजयनगर अम्पायर वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बन सके। इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन पावर्स, अब देखिए इन्होंने अपने जो आसपास के जो इलाके थे, जैसे देखिए यहाँ पे जो इंडिया के जो बाकी राज्य थे वो, और साथ में जो पुर्तगाली एरिया था, यानि कि जो पुर्तगाली थे उनके साथ अपने जो रिलेशन थे वो अच्छे संबंध इनकी
दोस्तानापूर्ण संबंध जो बनाने शुरू कर दिए कि ताकि जब टाइम ख़राब आए, जब समय ख़राब आए तो वो उनकी सहायता कर सके। देखिए ऐसा होता है ना, जब हम अपने पड़ोसी के साथ, अपने नेबर्स के साथ बना के रखते हैं तो वो हमारे काम आते हैं। तो इन्होंने भी अपने जो प्रशासन को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया बनाने के लिए उनके साथ दोस्ती कर ली। अब देखिए, ही ग्रांटेड सम कंसेशन टू द पोर्टुगीज गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अब देखिए अल्बुकर्क जो है सबसे जो जो पुर्तगाली जो गवर्नर थे अल्बुकर्क, इन्होंने उनको कुछ कंसेशन भी दिया कि ताकि वो जैसे आते थे ना बाहर से सामान लेके आते थे या कुछ था, तो वो उनको इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसमें कंसेशन देना शुरू कर दिया। अब देखिए अगर इन्होंने उनके साथ जो फ्रेंड रिलेशन बनाए थे तो इनको इतना तो करना ही पड़ता कि ताकि कल को इनको अगर काम पड़े तो वो भी इनकी हेल्प कर सकें। दैन ऑफ कृष्ण देव राय आल्सो विटनेस ट्रिमेंडस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द स्फीयर्स ऑफ लिटरेचर म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर। अब देखिए जो कृष्णदेव राय थे, इनका जो शासनकाल था, इनका जो राइन था, उसमें देखिए कि हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है लिटरेचर में, म्यूजिक में, आर्ट और कल्चर में। राय कृष्णदेव राय हिमसेल्फ वाज एकम्प्लिश्ड पोइट म्यूजिशियन स्कॉलर एंड एक्सट्रीमली वेल वर्स्ड इन संस्कृत तेलुगु एंड कन्नड़। अब देखिए जो कृष्णदेव राय खुद थे वो एक खुद एक कुशल कवि थे, यानी कि एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, एक खुद विद्वान थे। इनको संस्कृत तेलुगु कन्नड़ जो है वो लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती थी। ही पेट्राइज्ड मैनी पोइट्स एंड ऑथर्स नोटेबली द अष्टांगिधाज ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। अब देखिए जो इनके शासनकाल में देखे जैसे कई कवि थे, जैसे अष्टदिग्गज जैसे थे, अष्टदिग्गज देखिए जी कौन थे, अष्टदिग्गज पोइट्स ऑफ गिगैटिक स्टैचू। अब देखिए जो एक विशाल कद के जो कवि होते हैं ना, इनकी जो जो महान कवि होते हैं, जैसे कि सब बढ़िया कवि में से एक सबसे बढ़िया कवि जिन्होंने देखिए तेलुगु लैंग्वेज के लिए काफ़ी काम किया था, वो इनके टाइम पे थे। द फेमस स्कॉलर एंड विट तेनालीरामा एडॉन हिज कोर्ट। देखिए एक सीरियल भी आता है तेनालीरामा, वो भी कृष्णदेव राय के साम्राज्य में थे। अब तेनालीरामा जो थे किनके दरबार में थे, ये कृष्णदेव राय के दरबार में ही थे। ड्यूरिंग हिज दिस पीरियड देर वॉज आल्सो ए एक्सपर्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब देखिए इनके जो शासनकाल था इसके दौरान क्या हुआ, जो कला वास्तुकला है, इनकी जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचा। आपको पता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, फिर इन्होंने सोचा कि हमें अपने अब एम्पायर को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपने एम्पायर के लिए किया। द फेमस विट्ठल स्वामी टेम्पल एंड हजारा टेम्पल बोथ एट हम्पी बिल्ड ड्यूरिंग हिज राइन एंड मैग्निफाइड स्पेसिमेन ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर एक्सक्यूटेड इन द विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखिए जो विट्ठल स्वामी मंदिर है और हजारा जो मंदिर है, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक के हम्पी में है। ये कब बना था, ये कृष्णदेव राय के टाइम पे बना था। ये सबसे बड़े हिंदू मंदिर थे। देखिए यहाँ पे हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे हमें, और हिंदू जो आर्किटेक्चर के साथ साथ देखिए हमें यहाँ पे जो विजयनगर शैली थी, यानी कि जो विजयनगर अंपायर का जो स्टाइल था वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी देखिए जो ये जो मंदिर थे विट्ठल स्वामी और हजारा, ये कर्नाटक के हम्पी में है, ये बनाए गए हिंदू मंदिर है, लेकिन यहाँ पे हमें विजयनगर स्टाइल देखने को मिलता है। द विजयनगर अंपायर विटनेस द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया। अब देखिए जो विजयनगर अंपायर था उनके शासनकाल के दौरान ही जो यूरोपियन ट्रेडर थे, यानी कि जो पोर्टुगीज थे, वो इंडिया में आए। कृष्णदेव राय इनकर्ज फॉरेन ट्रेड विच नेसेसिटेटेड द यूज़ ऑफ करेंसी। अब देखिए जो कृष्णदेव राय ने ही देखिए विदेशी व्यापार था, जो फॉरेन ट्रेड था उसको बढ़ावा दिया, तो उनके साथ ही जो विदेशी करेंसी थी वो भी यहाँ पे इस्तेमाल में होने लगी। द कॉइन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वर चीफली मेड विद गोल्ड एंड कॉपर। देखिए जो विजयनगर एम्पायर के जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, वो किससे बनते थे, वो गोल्ड और कॉपर के बनते थे। मोस्ट ऑफ द गोल्ड कॉइन कैरिड ए सेक्रेड इमेज ऑन वन साइड एंड द लॉयल लेजेंड ऑन द रिवर्स। अब देखिए जो इनका सिक्का था सोने और तांबे का, तो यहाँ पे देखिए कि एक तरफ यहाँ पे क्या था, एक तरफ यहाँ पे सेक्रेड इमेज थी, यानी कि एक पवित्र छवि होती थी, दूसरी तरफ क्या था, जो शाही लिजेंड यानी कि रॉयल लिजेंड की फ़ोटो बनी होती थी, यानी कि एक तरफ शाही जो राजा की जो होती ना शाही मुद्रा,
वो बनी होती थी, एक तरफ क्या था पवित्र छवि बनी होती थी, पवित्र छवि यानी कि किसी भी महान व्यक्ति की भगवान के से फोटो बनाई होती थी। अब देखिए यहाँ पे कुछ सम गोल्ड क्वाइंस बोर द इमेज ऑफ लॉर्ड तिरुपति, देखिए कुछ यहाँ पे सोने के सिक्के हैं, वहाँ पे क्या था भगवान जो तिरुपति है उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे था इसका विजयनगर का लेक्चर, तो यहाँ पे हमने विजयनगर लेक्चर यहाँ पे ख़त्म किया है कि देखिए छोटा सा लेक्चर है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर की। देखिए आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसने बनाया था, कब बनाया था, है ना, तो यहाँ पे ये सब का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको मैं एक और बात यहाँ पे बता दूँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कॉमन क्या आता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि जो जो बुक्का के पुत्र थे कंपा, ठीक है, बुक्का के जो बेटे थे इनकी बुक्का सन्स कंपा, बुक्का के बेटे थे कंपा, जो उनकी वाइफ थी कंपा की वाइफ थी यानी कि जो बुक्का राजा थे उनका जो बेटा था कंपा उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था गंगा देवी, ठीक है, गंगा देवी जो थी उन्होंने किताब लिखी थी मदुरै विजयम, ठीक है, मदुरै विजयम, मदुरै विजयम नामक एक बुक लिखी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि मदुरै विजयम बुक किसने लिखी थी, ये बुक्का के जो पुत्र थे कंपा उसकी वाइफ ने बुक लिखी थी मदुरै विजयम, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इतना मैंने आपको जितना यूजीसी नेट में आता है मैंने उतना आपको यहाँ पे पढ़ाया है, तो उसके अलावा मेरे को लगता था जो जो यहाँ पे इंक्लूड करना है वो भी मैंने इंक्लूड किया है। सो आप इसे अच्छे से करिए, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।